हेलो बच्चों, मैं आपका मैथ गुरु और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल विद्या गुरु पर। सो देखिए, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा वो होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन होगा, बहुत ही ज़्यादा यार। देखिए, इस प्रैक्टिस सेशन में हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2017, 18 और 19 में अभी सभी एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में आपसे पूछे गए, और मैं आज उन सभी क्वेश्चंस में आपको शॉर्टकट्स, ट्रिक और ऑप्शंस, आपको पता है कि मैं ऑप्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि देखिए ऑप्शंस बनाए इस तरह के जाते हैं कि बच्चा उसका इस्तेमाल करे। और ये वीडियो देखने के बाद या फिर मेरे सारी वीडियोस देखने के बाद आप ऑप्शंस का यूज़ करना सीख जाओगे बेटा, ठीक है। कभी भी पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मैंने इस सेशन में, ठीक है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, बट इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के क्वेश्चंस को आप सेकंड में उड़ा दियो करोगे, सेकंड में उड़ा दोगे बेटा, ऐसे उड़ा दोगे इन क्वेश्चंस को। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा, और ये सेशन किसी भी बच्चे को मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सेशन मिस कर आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लोगे, बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर लोगे बेटा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो पहला क्वेश्चन बेटा आप रीड कीजिए, और इस ऑप्शन के, इस क्वेश्चन के मैं ऑप्शन जरा लिख देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेटा सारा खेल ऑप्शंस का है, और जो बच्चा विद्या ग्रुप पे पढ़ रहा है वो सबसे पहले जाकर ऑप्शंस जरूर देखेगा कि भाई सर ने ऑप्शंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना हमें सिखाया था, क्योंकि बेटा ये ऑप्शंस बहुत कुछ बोलते हैं। ये ऑप्शंस बोलते हैं कि हमें देखो, हम ही आंसर है, हमारे बीच में ही आंसर है, हम पे तो जरा ध्यान दो, पर आप क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे देते हो। तो देखिए क्वेश्चंस क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया है कि भाई एक जर्नी है जिसको 80 किलोमीटर, अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी देर में, 31.5 मिनट में चला जाता है, फिर जो शेष है, जो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, उसको 75 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कितना, 16 मिनट चला जाता है। तो इन दोनों का सम हमें क्या बताना है, टोटल हमें बताना है, टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी हमें ये बताना है। अब बेटा देखिए, आप अच्छे से जानते हो कि अगर हमारी स्पीड आर्स में है तो हमारा जो टाइम है वो भी आर्स में होना चाहिए, और इसको आर्स में बदलने के लिए हमें डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, और आप यही काम करोगे और फेल होके आ जाओगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। अरे बेटा ये काम ही नहीं करना, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को करने में मिनट खराब करोगे अपना, और मैं इस क्वेश्चन को अभी आपको सेकंड में करना सिखाने वाला हूं। देखिए मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, क्या ऑब्जर्व करा मैंने, ऑप्शन को ऑब्जर्व करा कि ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, ऑप्शंस जो है बेटा वो बहुत दूर दूर है, मैंने यही चीज ऑब्जर्व करा। तो क्यों ना इस क्वेश्चन के अंदर मैं अप्रोक्सीमेशन लगा दूं, इस क्वेश्चन के अंदर मैं अप्रोक्सीमेशन लगा दूंगा। तो मुझे एक बात बताइए, 31.5 मिनट बोल रखा है, इसको अगर मैं आधा, इसको अगर मैं 30 मिनट मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर है। तो 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा, 30 मिनट का मतलब होता है बेटा आधा घंटा, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो ये कितना आ गया, 40 किलोमीटर। अरे बोलो मेरे बच्चे, यही होगा। और इस 16 मिनट को अगर मैं 15 मिनट मान लूं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, अपॉन में 60 करेंगे, क्यों, क्योंकि मिनट से अगर हमें आर्स में टाइम को बदलना है तो हम डिवाइड बाय कितना करते हैं, 60 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/4, कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा कितना जाएगा, 18 पॉइंट कुछ जाएगा। तो हमने जब प्लस करा तो 8 और प्लस करा तो 58 आया, तो 45 कभी भी आंसर नहीं हो सकता, 38 कभी भी आंसर नहीं हो सकता, 58 आया है ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर ये ही होगा, इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने टाइम कम किया है, 31 को हमने 30 माना, 16 को हमने 15 माना, तो 58 तो होगा नहीं, इससे ज़्यादा ही होगा, और सारे ऑप्शन इससे छोटे थे, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो गई। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको करना है यार, पॉइंटों के जाल में नहीं फंसना, पॉइंटों के जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, ठीक है।
तो मजा आया होगा, बहुत ही अच्छी चीज मैंने आपको समझाई है ये। और देखिए ये सब चीजें ना आपको पेपर में अप्लाई करनी है, और आप फिर देखना कि आपका पेपर में कितना टाइम बचता है और आप कितनी जल्दी पेपर को अटेम्प्ट कर लेते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लगवा देता हूं, पहले एक बार ये रब कर लेते हैं। तो चलिए देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। सो देखिए एक बार रीड करते हैं क्या है क्वेश्चन, तो एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक मैन वॉक फ्रॉम हिज हाउस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर एंड रीच हिज ऑफिस 7 मिनट लेटर। तो हमसे बोला गया भी एक बंदा है, एक मैन है, राइट, एक मैन है जो कि अपने घर से, जो कि अपने होम से कहाँ जाता है, ऑफिस जाता है, और ऑफिस जाता है तो पहली जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी बेटा, 27 किलोमीटर पर आवर। तो जब वो 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता था तो वो 7 मिनट लेट होता था। अरे क्लियर है बेटा, तब वो 7 मिनट लेट हो जाता था, क्लियर है। अब क्या बोला गया, इफ ही वॉक एट एवरेज स्पीड ऑफ, इफ ही वॉक एट एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, बोल रहे अगर वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो क्या हुआ, तो वो 17 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वो 17 मिनट पहले पहुंच जाता है। हमसे पूछा गया है, हमसे पूछ रहा है बेटा डिस्टेंस कहां से, घर से ऑफिस, घर से ऑफिस के बीच की हमसे डिस्टेंस पूछी गई है, क्लियर है बेटा। तो देखिए इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको हमेशा वही फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला फटाफट लिख लीजिए, फॉर्मूला क्या है बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू एस वन मल्टीप्लाई बाय एस टू अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट स्पीड मल्टीप्लाई बाय सेकंड स्पीड अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ टाइम। सो बेटा देखिए अभी तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, अब ध्यान से समझिए, देखिए पहली स्पीड कितनी है 27, S1 ये हो जाएगी, दूसरी स्पीड हमारी कितनी है 45, उसके बाद डिफरेंस, इन दोनों स्पीड का डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 18, राइट, दोनों का डिफरेंस आ गया 18। अब आपको जो बात समझनी है वो बात आप ध्यान से समझिए कि डिफरेंस ऑफ टाइम हम किस तरह से निकालेंगे, जब भी लेट और अर्ली हो, ठीक है, टाइम लेट और अर्ली हो तो इनको हम क्या करते हैं ऐड करेंगे, ये बात आप समझ लीजिए, लेट और अर्ली में हमेशा हम टाइम को ऐड करेंगे। अगर लेट लेट आता है कि अगर वो दोनों ही स्पीड में लेट होता है तो हम उसको माइनस करते हैं, और दोनों ही स्पीड में अगर वो जल्दी पहुंच जाता है, मतलब अर्ली पहुंच जाता है, तब भी हम उसे माइनस करेंगे। तो इतनी बात समझिए, जब मुझे डिफरेंस निकालना है टाइम का तो लेट और अर्ली में हमेशा एडिशन होगा, बट लेट लेट और अर्ली अर्ली में हमेशा हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट बेटा। तो चलिए स्पीड वन हमारा कितना है 27, स्पीड सेकंड हमारा कितना है 45, और दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना आ गया 18, मल्टीप्लाई बाय लेटर और अर्ली दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा 24। अरे बोलिए बेटा, ठीक है, तो 9 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक बात और बहुत ध्यान से समझिए, हमारी स्पीड किसमें थी, पर आवर में, मतलब घंटे में, यहां भी स्पीड किसमें थी, घंटे में, बट ये जो मिनट आया है, ये जो डिफरेंस आया है ये किसमें है, मिनट में, तो इस मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय कितना करेंगे हम 60, क्लियर है, ये बात जरूर आपको याद रखनी है। तो कैंसिल आउट करो बेटा, 9 से 9 से गया 3 बार, 9 से गया ये 2 बार, उसके बाद देखिए 15 से 3 बार गया और 15 से ये गया बेटा 4 बार, 2 और 4 8, 8 से ये गया 3 बार, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर कितना आ गया 27 किलोमीटर। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में केवल और केवल ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, रामबाण है बेटा। और अभी मैं और भी क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है बेटा। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फॉर्मूले को भी नोट डाउन कीजिए,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अपने आप आ जाएगा। और ये फॉर्मूला मैं लिखा रहने देता हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखे रहने देते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार रीड कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो मैं एक बार समझा देता हूं। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे अ स्टूडेंट वॉकिंग एट द रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीच हिज स्कूल 6 मिनट लेट। बोल रहा है एक स्टूडेंट है जो कि अपने घर से चलता है, जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है 2.5 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 2.5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है तो वो 6 मिनट अपने स्कूल पर लेट पहुंचता है, 6 मिनट लेट पहुंचता है स्कूल में। तो चलिए S1 मैं लिख देता हूं बेटा, S1 हमें कितना दे रखा है 2.5, तो इसको मैं लिख देता हूं 5/2 किलोमीटर पर आर, और लेट कितना हो रहा है 6 मिनट वो लेट हो रहा है, स्कूल पहुंचने में 6 मिनट वो लेट हो रहा है, राइट बेटा। फिर क्या बोल रहा है, अगर नेक्स्ट डे अगले दिन वो अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देता है तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो नेक्स्ट डे मतलब S2 हमें कितना आ जाएगा भाई, अगर 1 किलोमीटर बढ़ा देगा तो 2.5 का हम कितना कर देंगे 7/2 3.5 हो जाएगा, 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 6 मिनट क्या पहुंच रहा है, अर्ली पहुंच रहा है, अर्ली, तो ये लेट पहुंच रहा था, ये अर्ली पहुंच रहा है, तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना आ जाएगा 12 मिनट का। क्लियर है बेटा, तो बस अब तो अब आप आराम से आंसर दे दोगे, पहली स्पीड कितनी है 5/2, दूसरी स्पीड कितनी है 7/2, और दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना है 1, क्योंकि 1 किलोमीटर इंक्रीज हो रहा है, तो वो लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम का डिफरेंस कितना है बेटा 12, और इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, ठीक है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 60, तो ये कैंसिल आउट हुआ भाई 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आएगा 7/4 किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा 7/4 किलोमीटर, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर। सो बहुत आसान, अब मैंने आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस कर दिए हैं, आपको बस ये फॉर्मूला अब याद रखना है हमेशा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई, जो ये क्वेश्चन आप रीड कर रहे हो ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए बोलता है, देखिए एक रनर है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक रनर है कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ सम स्पीड, तो एक डिस्टेंस को कवर करता है एक सर्टेन स्पीड पर। बोल रहा है अगर वह अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटे तेज कर ले, अगर वो अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटे तेज कर ले तो वह 20 मिनट कम लेता है, तो उस डिस्टेंस को वो कवर करने में कितने टाइम कम ले रहा है, 20 मिनट कम लेता है, राइट बेटा। और उसके बाद बोल रहा है अगर वह अपनी चाल को, अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दे, 1 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर दे बेटा कम कर दे, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं, तो उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना लग रहा है बेटा 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया है कि डिस्टेंस बताइए क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई बाय क्या था बेटा डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, मैं कर लेता हूँ लेट, हमने लेट करा कि पहले उसकी जो स्पीड थी वो एस थी, पहली जो उसकी स्पीड थी एस थी, तो इस क्वेश्चन में देखिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू कर देंगे हम डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। तो पहले उसकी स्पीड कितनी थी बेटा एस, उसके बाद उसकी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटे तेज कर दिया गया, तो दूसरी इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी एस प्लस 3,
तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, तीन का। भाई पहले एस थी, अब एस प्लस तीन हो गई, तो डिफरेंस तीन का आ जाएगा। अच्छा, स्पीड अगर 3 किलोमीटर उसने तेज करी तो उसके टाइम में कितने मिनट का चेंज आया, 20 मिनट का चेंज आया, 20 मिनट कम लगने लगे। तो यहां हम लिखेंगे बेटा 20 बटे में कितना कर देंगे 60, तो इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ, राइट, घंटे में ये 1/3 करा। अब दूसरा डिस्टेंस निकालेंगे भाई, तो दूसरे कंडीशन क्या थी क्वेश्चन में, दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर स्पीड को 1 किलोमीटर कम कर दे, तो पहले स्पीड, पहली स्पीड थी s, अब स्पीड दूसरी स्पीड कितनी आ जाएगी, s माइनस 1, डिफरेंस बेटा 1 का ही हुआ। और जब उसने 1 किलोमीटर स्पीड को स्लो किया तो डिफरेंस जो टाइम में आया वो कितना आ रहा है, 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो यहां हम लिखेंगे 10 मिनट है, आर्स में बदलने के लिए कितना करेंगे 60, तो 0 से 0 कटी जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए बेटा, एस से एस कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये कितनी बार चला गया, 2 बार कैंसिल आउट हुआ, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर, तो हमारे पास जो बच गया वो बच गया 2s+6 इक्वल टू कितना बचेगा, 3s-3। तो s यहां पे 2s, 3s में से 2s को माइनस करेंगे तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। तो मान के चलिए अगर हमसे इस क्वेश्चन में स्पीड पूछा जाता कि इसकी यूजुअल स्पीड कितनी है, ऑरिजिनल स्पीड कितनी है, तो हमारा आंसर आ चुका है कितना आता बेटा, 9 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमने लेट किया था s। बट हमसे देखिए एक चीज एक्स्ट्रा पूछी है, मैंने बोला ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हमसे पूछा गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बेटा किसी भी इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन से निकाल लो। पहला डिस्टेंस वाली इक्वेशन ये थी और दूसरी डिस्टेंस वाली इक्वेशन ये थी। मान लीजिए मैं ये वाली डिस्टेंस वाली इक्वेशन उठा लेता हूं, तो ये कितनी थी, s, s माइनस 1 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई बाय 1/6 था। s की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा, 9 आ चुकी है, तो 9 और 9 माइनस 1 कितना आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, 6। बोलिए 3 से काटिए तो कितना बार गया, 3 से काटिए तो कितनी बार गया, 2 कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया, 4। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया, 12 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गया, बात खत्म। तो इतना अच्छा जो क्वेश्चन था वो हमने सेकंडों में करके आपको दे दिया, परोस दिया। अब आप इसको खाते कितनी बार हो, कितनी इसकी प्रैक्टिस करते, वो आपके ऊपर है बेटा। चलिए तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। एक क्वेश्चन और मैं ऐसा लेता हूँ जिससे कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओ और अपने एग्जाम में ना छोड़ के आओ। तो चलिए इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपकी स्क्रीन पर लगवा देता हूँ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे आप रीड कीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन कवर 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड टेक्स 3 आवर्स लेस फॉर दी जर्नी। वट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, ट्रेन की स्पीड पूछी गई, ये बहुत आसान है, ठीक है। चलो मैं एक बार आपको हिंदी में समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर की दूरी को क्या करती है, कवर कर रही है, राइट। बोल रहा है कि अगर ट्रेन की जो स्पीड है उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटे इंक्रीज कर दिया जाता है तो उसी दूरी को कवर करने में अब उसे 3 घंटे कम लगते हैं। कितने घंटे कम लग रहे हैं बेटा, 3 घंटे कम लगते हैं। तो हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है क्या होगी। तो देखिए सारा खेल इस क्वेश्चन में ऑप्शंस का है, मैं ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को आपको करवाऊंगा और एक बहुत ही अच्छा मेथड आपको इस क्वेश्चन में मैं बताने वाला हूं, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बेटा 40, ऑप्शन बी दे रखा है हमें 30, ऑप्शन सी हमें दे रखा है 50 और ऑप्शन डी जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 25। क्लियर है बेटा, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं।
तो देखिए अगर हम इक्वेशन बना लेते हैं, अगर हम मान के चलते हैं कि ट्रेन की जो पहले स्पीड थी वो हमने मान ली एस, क्लियर है बेटा, तो पहले टाइम ज़्यादा लगता था, अब जब हमने स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा दी है तो अब टाइम कम लग रहा है, तो हम टाइम का डिफरेंस निकालेंगे। हम क्या करेंगे, T1 माइनस T2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं 3 घंटे, क्योंकि पहले वाले टाइम और अब नए वाले टाइम में, इसको चलो ओल्ड लिख लेते हैं, ओल्ड और न्यू, ओल्ड टाइम और न्यू टाइम में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 घंटे का डिफरेंस है, अब 3 घंटे कम लगने लगे। तो पहले 360 किलोमीटर की दूरी को कितनी स्पीड से कवर करता था, एस की स्पीड से, राइट, माइनस 360 किलोमीटर की स्पीड दूरी को, अब स्पीड को 10 किलोमीटर बढ़ा देगा तो कितना करेगा, एस प्लस 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से तय करेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बेटा, 3 घंटे, बिकॉज हम जानते हैं टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो देखिए ऑप्शन उठाइए और आप देखिए एस, हमें एस की वैल्यू निकालनी है, राइट, हमें एस की वैल्यू निकालनी है, तो ऑप्शन में हमें ये एस की ही वैल्यू दे रखी, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर मैं एस की वैल्यू 25 लेता हूँ, अगर मैं एस की वैल्यू 25 पुट करता हूँ तो क्या 360 को वो डिवाइड कर देगा, नहीं डिवाइड कर सकता, ठीक है, तो देखिए 25 तो आंसर हो नहीं सकता, ना ही 50 ना ही 50 कभी भी 360 को डिवाइड करेगा, तो इनके ऑप्शंस होने के चांस कम है, ठीक है, इनके सॉरी आंसर होने के चांस कम है, राइट, क्योंकि अगर मैं 25 से 360 को काटूंगा तो प्रॉपर नहीं कटेगा बेटा, पॉइंट्स में जाएगा और 50 से भी पॉइंट्स में जाएगा, तो मेरा जो आंसर हो सकता है वो या तो वो 30 होगा या वो 40 होगा। तो मान लीजिए मैं 30 अपना आंसर लेके चलता हूं, तो अगर मैंने यहां पर 30 पुट भी करा तो भाई 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ तो 12 घंटे लगेंगे, अब 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40 कैंसिल आउट करा तो कितने लगेंगे, 9 घंटे, दोनों का डिफरेंस कितना आया, 3 घंटे, 3 घंटे का ही डिफरेंस होना चाहिए, तो आंसर कितना आ गया, 30, बात खत्म। कोई भी आपको इक्वेशन नहीं बनानी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नहीं जाना, अपने ऑप्शंस का यूज करना है, बात खत्म, क्लियर है बेटा, ठीक है, तो यही पावर है ऑप्शंस की। चलिए मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक मेथड और बता देता हूँ, जो कि बेटा बहुत ही अच्छा मेथड है, तो एक बार इसको तो आप नोट डाउन कर लो भाई, है ना, ये चीज़ तो आप कम से कम नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए रब करते हैं, पॉज करके आप नोट डाउन कर लिया करो चीज़ों को। अब देखिए इस जो अब मैं जो आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ, इस चीज़ में आपको ऑप्शंस की भी ऐसी कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान है। देखिए स्पीड कितनी बढ़ा रहा है, 10 किलोमीटर, है ना, स्पीड बढ़ा रहा है 10 किलोमीटर पर आर, जिसकी वजह से टाइम कितना कम लग रहा है, 3 घंटे टाइम लग रहा है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहां लिखना है स्पीड और यहां लिखना है बेटा टाइम, बस। तो स्पीड इंक्रीज करी उसने 10 किलोमीटर पर आर, जिसकी वजह से टाइम कितना कम लग रहा है, 3 घंटे। अब आपको स्पीड 10 ऐड करते हुए जाना है, टाइम को 3 ऐड करते हुए जाना है, ठीक है, 10 में 10 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 20, क्लियर है, इतना मत लिखो क्योंकि किलोमीटर वगैरह लिखने में टाइम ही ज़्यादा लगता है, और 3 + 3 कितना हो गया, 6। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है कि जो आपको डिस्टेंस दे रखी है वो इतनी आ रही है नहीं आ रही, तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 60, नहीं आ रही, आगे चलते हैं, 20 में फिर 10 को ऐड करो कितना आया, 30, और 6 में फिर 3 को ऐड करो कितना आया, 9, मल्टीप्लाई करके देखो 30 का 6 में कितना आ रहा है, 180, आगे और चलते हैं, कितना आया 40, कितना आया 12, अब ध्यान से देखो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 360, और 360 डिस्टेंस ही तो कवर करनी थी, राइट, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा 360, बस यहां हमारा आंसर आ गया। अब देखो समझो, पहले स्पीड कितनी थी 30, जब 30 की स्पीड से जाता था तो 12 घंटे लेता था, बाद में स्पीड कितनी होगी 40, जब 40 की स्पीड से जा रहा है तो 9 घंटे लग रहा है, डिफरेंस भी देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा 3 घंटे का है, तो यहां से आप सीधा आंसर निकाल सकते हो कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 30 किलोमीटर पर आर, बात खत्म। सो बहुत ही अच्छा आंसर है ना,
आसान करा या नहीं करा, बोलिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अब आपके लिए बेटा बहुत ही आसान रहेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सो बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, अ ट्रक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 384 किलोमीटर। एक ट्रक है जिसको डिस्टेंस कवर करना है कितना, 384 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, एक सर्टेन स्पीड से। If the speed is decreased by 16 किलोमीटर पर आर, अगर वो अपनी स्पीड को 16 किलोमीटर पर आर कम कर देता है, इट विल टेक 2 आवर्स मोर, तो उसको 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो हमें स्पीड, ओरिजिनल स्पीड का 75% बताना है कितने के बराबर होगा। तो बेटा बहुत ही आसान है, हम वही काम करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम स्पीड और यहां हम क्या लिखेंगे टाइम। तो ये आया 16 किलोमीटर स्पीड कम कर रहा था जिसकी वजह से हमें 2 घंटे ज्यादा लग रहे थे, तो 16 + 16 कितना हो जाएगा 32 और यहां कितना आ जाएगा 4। मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 384 आना चाहिए। तो अभी तक हमें 384 नहीं मिला, तो दोबारा से 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 48 और दोबारा से 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अभी भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है 64, राइट, या फिर उतना नहीं मिल रहा तो और एक बार हम ऐड करके देखेंगे। तो दोबारा से हमने ऐड करा तो ये कितना हुआ 64 और दोबारा से इसमें 2 घंटे था ना, राइट, 2 घंटे था, तो कितना आ जाएगा 8। क्लियर है बेटा। सो मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 384 और फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 384, मतलब हमें आंसर मिल गया। तो ध्यान से समझिए बेटा, 2 घंटे क्या लग रहे हैं, 2 घंटे क्या लग रहे हैं, ज़्यादा लगने लगे हैं। तो पहले स्पीड कितनी थी, पहले स्पीड थी उसकी 64 जब 6 घंटे उसको लगते थे, अब उसने स्पीड को 16 किलोमीटर कम कर दिया तो अब उसको कितना टाइम लग रहे हैं 8 घंटे। हमसे ओरिजिनल स्पीड पूछी गई थी तो ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी 64, तो हमारे पास ओरिजिनल स्पीड आ गई बेटा 64, बट हमसे ओरिजिनल स्पीड का कितना परसेंट पूछ रहा था, हमसे ओरिजिनल स्पीड का पूछ रहा था बेटा 75% और अपॉन में कितना आ जाएगा 100, 25 से 3 और इससे हमारा ये कितनी बार चला जाएगा 4, 4 से कितनी बार गया 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 48 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा और हम सेकंडों में आंसर देके आएंगे क्लियर है बेटा। सो नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को, आई होप आपको ये सारे मेथड, ये आपकी शॉर्टकट्स, ये मेथड, ये ऑप्शंस का यूज करना बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ठोक दो और लाइक ठोकने से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि आप शेयरिंग करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो, तो शेयरिंग करने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नॉलेज दूसरों को अगर आप शेयर करोगे तो वो नॉलेज इंक्रीज होती है, तो प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब दी चैनल। तो मिलते हैं एक दमदार ट्रिक्स के साथ, एक दमदार सेशन के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।